हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छा होंगे और फिर से आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो क्या चल रहा है आपका? होप आप सारी वीडियोस देख रहे होंगे और सारी वीडियोस में आपको बहुत हेल्प मिल रही होगी। आज हमारा एक्सेस लिस्ट के अंदर हम देखते हैं कि एक्सेस लिस्ट होती क्या है। तो आपकी जो एक्सेस लिस्ट होती है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट टू मैनेज योर नेटवर्क लाइक ट्रैफिक फ्लो एंड गिव परमिशन या रिस्ट्रिक्शन टू पर्टिकुलर होस्ट मशीन या ग्रुप। आपको ये पता तो लग गया है, OSPF तक आपने देखा कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक आपने कैसे जाना है। यानी अगर कोई नेटवर्क से अगर आपको दूसरे नेटवर्क में जाना है तो उस नेटवर्क में जाने के लिए आपको क्या होना चाहिए? पाथ प्रॉपर मालूम होना चाहिए। और पाथ प्रॉपर अगर मालूम है तो पाथ कैसे देते हैं, मतलब रूट के बारे में कैसे बताते हैं? या तो स्टैटिक रूट, डायनेमिक रिप प्रोटोकॉल चला लो, EIGRP चला लो, OSPF चला लो। मीन्स सोर्स से डेस्टिनेशन तक कैसे जाना है वो आपको पता लग गया। मीन्स आपको रूट बनाना आ गया। और जिस बंदे को रूट डिफाइन करना आ गया वो CCNA में एक्सपर्ट हो गया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है रूट डिफाइन करना। रूट मतलब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाना है तो राउटर पे क्या करना पड़ेगा? स्टैटिक रूट डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप स्टैटिक रूट डिफाइन करना तो स्टैटिक रूट डिफाइन कर लो। अगर आपको लगता है कि डायनेमिक में अगर आप EIGRP रिप OSPF कॉन्फिगर करना चाह रहे हो, अगर बहुत सारा नेटवर्क है, मतलब बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो डायनेमिक प्रोटोकॉल डिफाइन कर लो। और अगर छोटा नेटवर्क है तो उसमें आप स्टैटिक रूट डिफाइन कर लो। तो अब जब हमारा नेटवर्क रेडी हो जाता है, मीन्स हमारा नेटवर्क बन गया, अब आपने अपने नेटवर्क को मैनेज करना है। तो मैनेज करने का मतलब क्या हुआ कि किसी यूजर को हम परमिशन दे रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन, इसको ये चीज़ एक्सेस नहीं करनी, इसको करनी है, ये चीज़ ये नहीं कर पाएगा बट ये चीज़ कर पाएगा। जैसे क्या होता है घर में, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे पहले होता है घर बनाना, तो पहले घर बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, जितने भी मटेरियल्स हैं सारे रेडी करके फिर घर बनता है। तो घर बन गया इसका मतलब नेटवर्क बन गया। अब जब आप घर के अंदर चले जाते हो तो पेरेंट्स जो होते हैं वो आपके लिए रूल रेगुलेशन डिफाइन करते हैं कि आप सुबह 6 बजे उठोगे, आप सुबह उठ के सीधा एक्सरसाइज करने के लिए जाओगे या कोई योगा करेगा। मींस आपने उनके लिए रूल रेगुलेशन डिफाइन कर दिया। वैसे ही हमारा ये है ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ये आपके पूरे नेटवर्क को कैसे मैनेज करना है वो काम करता है। तो इसमें क्या होती है, दो टाइप की परमिशन होती है, परमिट एंड डिनाई। बाय डिफ़ॉल्ट परमिट पॉलिसी होती है, मींस आप सोर्स से डेस्टिनेशन नेटवर्क तक आप जाते हो, आपका नेटवर्क बन गया तो आप किसी भी नेटवर्क में सोर्स से डेस्टिनेशन तक जा सकते हो। और अभी तक आपने यही देखा कि आप अगर आपका रूट डिफाइन हो गया तो आप डेस्टिनेशन में किसी भी नेटवर्क में जा सकते हो। बट दूसरी पॉलिसी बनती है मेरी डिनाई। मैं नहीं चाहता कि कोई बंदा उस नेटवर्क में जाए या कोई मेरे रिसोर्स है जैसे सर्वर है, इस सर्वर को एक्सेस ना करे। तो अब वो चीज़ हम मैनेज करेंगे, मींस अब थोड़ा सा एडवांस लेवल। तो ACL मैनेज योर नेटवर्क एंड प्रोटेक्ट योर रिसोर्सेज फ्रॉम अनवांटेड यूजर्स। यानी ये पॉलिसी किसके लिए बन रही है? कंपनी के बंदों के लिए जो आप ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हो। तो इसमें पॉलिसी जो आपकी बनती है होस्ट, अब यूजर किस पे काम करेगा? मशीन पे। मशीन को क्या चाहिए? IP। तो या तो आपका जो ये पॉलिसी बनेगी सोर्स, यानी जो भेज रहा है, किसको भेजना? डेस्टिनेशन। तो यानी सोर्स का होस्ट, डेस्टिनेशन का होस्ट। पूरा नेटवर्क पैकेट नहीं भेज सकता, यानी सोर्स का नेटवर्क
अगर पर्टिकुलर नेटवर्क को भेजना है यानी डेस्टिनेशन का नेटवर्क, तो सोर्स का होस्ट, डेस्टिनेशन का होस्ट, सोर्स नेटवर्क, डेस्टिनेशन नेटवर्क, पोर्ट, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, टीसीपी का पैकेट है, यूडीपी का है, टीसीपी एंड यूडीपी क्या करते हैं, पोर्ट को यूज। तो जो सोर्स होता है वो भी अपना पोर्ट यूज करता है, डेस्टिनेशन जहां जाना उसका पोर्ट भी यूज होता है, यानी सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, और कौन सी सर्विस वो यूज कर रहे हैं, दैट्स इट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पॉलिसी बनाएंगे और पॉलिसी बना के उस पॉलिसी को हम अप्लाई करेंगे। तो पॉलिसी फर्स्ट आपने क्या करना है, फर्स्ट यू क्रिएट पॉलिसी, देन यू अप्लाई पॉलिसी ऑन इंटरफेस। तो पॉलिसी किस पे लगती है, पोर्ट पे। तो हम ये देखते हैं, सपोज ये हमारा नेटवर्क है, अब मैं चाहता हूँ ये वाला यूजर मैं इस नेटवर्क में न जाने दूँ, अभी तो जाएगा बाय डिफॉल्ट ये, बट मैं चाहता हूँ कि इस यूजर का इस नेटवर्क में कोई काम नहीं है, मतलब यहाँ पर हमारा जो है ये सर्वर रखे हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि ये यूजर इन सर्वर को एक्सेस ना करे, मतलब इस नेटवर्क में एंट्री ना कर पाए, तो क्या होगा, इसके लिए मुझे पॉलिसी बनानी पड़ेगी। बाय डिफॉल्ट तो क्या होता है कि हमने राउटर को इन नेटवर्क के बारे में बता दिया, इस राउटर को इस नेटवर्क के बारे में बता दिया, तो ये तो कहीं भी जा सकते हैं, पर हमें अब नहीं भेजना, तो उसके लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी, पॉलिसी। तो वही पॉलिसी होती है हमारी ACL। अब इस यूजर के लिए आप देखो, मैंने बता दिया कि इस यूजर को मैं इस नेटवर्क में नहीं भेजना चाहता, इस नेटवर्क में भेजना चाहता, या इसमें से इस यूजर को मैं इस नेटवर्क में नहीं भेजना चाहता और इस नेटवर्क में भेजना चाहता, मतलब यू कैन क्रिएट मल्टीपल पॉलिसीज रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो भी रिक्वायरमेंट होगी ऑर्गेनाइजेशन की उसके हिसाब से आप पॉलिसी बना सकते हो। तो उसी में से एक है ACL। तो ACL जो हमारा होता है, जो हमारा ACL होता है वो टू टाइप्स का, यानी दो पॉलिसी, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडर्ड। स्टैंडर्ड जो होती है वो बेसिक होती है, बेसिक पॉलिसी बनती है, मतलब नॉर्मल पॉलिसी, जनरल पॉलिसी जो हम बनाते हैं, बेसिक होती है ये बेसिक प्लस एडवांस, ये हमारी बेसिक प्लस एडवांस पॉलिसीज होती है, मतलब इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और ये हमारी बेसिक होती है। हर पॉलिसी जब हम बनाते हैं तो उसको एक नंबर देते हैं, मतलब अगर हम कोई भी पॉलिसी अगर क्रिएट कर रहे हैं तो उस पॉलिसी को नंबर देते हैं। तो स्टैंडर्ड में हम पॉलिसी का नंबर देते हैं 1 से 99, और एक्सटेंडेड में भी अगर पॉलिसी बना रहे हैं तो उसको देते हैं 100 से 199। मीन्स अगर आप कोई भी पॉलिसी क्रिएट कर रहे हो तो आपको पॉलिसी नंबर देना पड़ेगा। और दो टाइप की पॉलिसी होती है, एक होती है परमिट और दूसरी होती है डिनाय। तो बाय डिफॉल्ट परमिट पॉलिसी होती है, मतलब किसी भी यूजर को किसी भी नेटवर्क में जाने के लिए परमिट होता है, परमिट मीन्स अलाउ, आप उस नेटवर्क में जा सकते हो, यानी अलाउ है बाय डिफॉल्ट। तो आप क्या करोगे, डिनाई करना है आपने, सपोज वो यूजर उस नेटवर्क में नहीं जा सकता तो आप डिनाई करोगे उसके। तो नाउ सबसे पहले चीज हम ये देखेंगे कि कैसे हम पॉलिसी अप्लाई करते हैं। तो ओके, ये हमारा क्या है, नेटवर्क है। अब ये 192 का नेटवर्क है, ये हमने कनेक्ट किया, अब आपको पता चल जाना चाहिए ये हमने नेटवर्क बनाया 50 का, ये 192.16.16.1.0 ये नेटवर्क है उसके। अब आपने क्या करना है, इनको आईपी दोगे आप और रूट डिफाइन करोगे। तो सबसे पहला चीज हम यहां पर क्या करते हैं, आईपी देते हैं। तो आपने क्या करना है, पोर्ट नंबर देख लो, CLI पे जाओगे और नो, तो यहाँ पर जाओगे इनेबल कॉन्फिटी होस्ट नेम, इसको नेम दे दो आप R1। अब आपने क्या करना है, इंटरफेस F0/0 पे, इस पे मेरा नेटवर्क होगा IP एड्रेस, और इसको दूंगा मैं 192
1.168.1.1 एंड सबनेट मास्क और नो शट डाउन। तो ये मेरा नेटवर्क अप हो गया, इधर मैंने नेटवर्क दे दिया। नाउ अब चलते हैं सीरियल पे। तो पहले इस पोर्ट से मुझे एग्जिट करना पड़ेगा। तो इंटरफेस सीरियल 0x3x0 आईपी एड्रेस, ये 10 का है, पॉइंट टू पॉइंट है, तो इसमें मुझे दो आईपी की रिक्वायरमेंट है। तो सबनेट मास्क मैं छोटा रखूँगा 252 का एंड नो शट डाउन। ओके, तो यहाँ भी मेरा ये डिफाइन हो गया। नाउ चलते हैं इस राउटर पे। इस राउटर पे आप देख लो CLI नो इनेबल कॉन्फिटी होस्ट नेम, इसको दे दो आप R2। तो पहले चल लो आप इंटरफेस F0Y, किसी पे भी जा सकते हो आप। आईपी एड्रेस ये 172 का है एंड 255.255.255.0 एंड नो शट डाउन। तो इधर हमारा जो नेटवर्क था ये मैंने अप कर दिया, ये 172 का नेटवर्क है और इसको डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या दिया मैंने, 172, ये डिफ़ॉल्ट गेटवे है। नाउ चलते हैं दूसरे पोर्ट पे, इंटरफेस F0x0 एंड आईपी एड्रेस यहाँ पर दे देंगे हम 50 का नेटवर्क है, 50.1.1.1 एंड 255.255.255.0 एंड नो शट डाउन, ये भी मैंने दे दिया। इधर भी मेरा कॉन्फ़िगर हो गया। अब चलते हैं सीरियल पोर्ट पे। तो पहले इस पोर्ट से एग्ज़िट होना पड़ेगा। इंटरफेस सीरियल 0x2x0 एंड आईपी एड्रेस ये है मेरा 10.1.1 उधर दिया था, तो इधर 2 एंड पॉइंट टू पॉइंट सेम सबनेट मास्क एंड नो शट डाउन। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा ये पोर्ट ये भी ग्रीन हो गया। अब आपको पता है, कीप इन माइंड कि इस राउटर को इन नेटवर्क के बारे में नहीं मालूम, तो क्या करना पड़ता है, ये तो स्टैटिक रूट डिफाइन करो या आप लोग क्या करो EIGRP या RIP चलाओ, जो जैसी आपकी मर्जी। तो यहाँ पे कम नेटवर्क है तो आप स्टैटिक रूट चला लो, अगर ज़्यादा है तो वो चला लो। तो क्या करना पड़ेगा, दो नेटवर्क हैं तो आप क्या करो स्टैटिक रूट चला लो। तो स्टैटिक में क्या होता है कि इस राउटर को इन नेटवर्क के बारे में नहीं पता, तो इसको बता दो इन नेटवर्क के बारे में। तो कमांड क्या है, ग्लोबल कमांड है आईपी रूट, इस नेटवर्क में जाना है आपने 172.16.1.0 नेटवर्क देना पड़ता है, उसका सबनेट मास्क इस नेटवर्क का 172 का एंड नेक्स्ट हो 10.1.2 मींस इस राउटर को मैं बता दूंगा कि अगर आपको इस नेटवर्क में जाना है सबनेट मास्क ये रहा, तो प्लीज़ आप इस होप को भेज देना 1.2 को, ये नेक्स्ट होप है तो ये इसको भेज देगा। ओके, सेम मैं 50 के लिए भी वही रहेगा होप, क्योंकि इस साइड में आप इसको भेज देना, तो सेम इसके लिए इस राउटर को बता रहे उस नेटवर्क के बारे में। तो क्या करेंगे हम, आईपी रूट किस नेटवर्क पे जा रहे हैं हम, 50.1.1.0 सबनेट मास्क .0 एंड नेक्स्ट होप, दोनों का एक ही रहेगा, ओ सॉरी 1.2 दे दिया। तो इस राउटर को मैंने इन दोनों नेटवर्क के बारे में बता दिया। स्टैटिक रूट डिफाइन कर रहा हूँ मैं, तो स्टैटिक में क्या होता है कि जो कनेक्टेड होते हैं उनके बारे में नहीं बताते, और किसके बारे में बताते, जो कनेक्टेड नहीं होते, मींस जो नेटवर्क कनेक्टेड नहीं होते उनके बारे में बताते हैं। तो सेम इसको मैंने इनके बारे में बता दिया। अब सेम इस राउटर को, तो इस राउटर से तीन नेटवर्क ऑलरेडी कनेक्टेड है, 50, 172 और ये वाला। तो इस राउटर से कौन नेटवर्क कनेक्टेड नहीं है, ये, तो इस राउटर को इसके बारे में बताना पड़ेगा। तो ओके, इसको भी बताते हैं, तभी हमारा कम्युनिकेशन होगा। तो आईपी रूट कौन सा है, 192.168.1.0 एंड 255.255.255.0 एंड 10.1.1.1 मींस इसको मैंने बता दिया कि अगर आपको इस नेटवर्क में जाना है तो प्लीज़ आप इस होप, नेक्स्ट स्टेप जिसको बोलते हैं, कि आप इस होप पे आप पैकेट भेज देना। ओके, तो अब क्या होगा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा,
इस नेटवर्क का इनको आईपी दे दूंगा। ठीक है, ये तो कैसे देते हैं आईपी, यहाँ पर जाओगे आप, यहाँ पे मैंने डिफाइन कर रखा है 192.168.1.1 मैंने यहाँ पर दिया है, तो वो डिफ़ॉल्ट गेटवे है, इसको मैंने ये दे दिया। सबनेट मास्क वही है और ये डिफ़ॉल्ट गेटवे ये दे दिया। सब आप ऐसे आईपी दे दोगे इनको। यहाँ पर कौन सा नेटवर्क है 172 का, तो इन सर्वर को आपने क्या देना है, इसी नेटवर्क का आईपी। तो आप इस पे जाओगे, कहाँ पे आईपी एड्रेस, यहाँ पे मैंने आईपी दे दिया। मैंने टाइम बचाने के लिए आपको पहले ही आईपी दे दिया, ताकि टाइम ज़्यादा जो वीडियो का ड्यूरेशन हो जाए कम हो जाए। तो यहाँ पर क्या है, मैंने आईपी दिया हुआ है सर्वर को 10, 11 एंड 12, सबनेट मास्क और डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे मैंने सबका 1 रखा हुआ है, तो इसको 10, इसको 11, इसको 12, और ये 50 का नेटवर्क है, तो इनको भी मैंने 50 का आईपी दिया हुआ है। सेम देख लो ये, तो इतना हमारा टाइम बच गया। नाउ अब क्या करेंगे, पिंग करेंगे, देखते हैं सर्वर मेरे पिंग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये क्या है, 1.5 है ये। तो हम जो मैंने आपके लिए वो बनाए हैं प्रॉपर, वो 1.4 पे हम पॉलिसी बनाएंगे कि इसको बैन करेंगे हम। तो ओके, सबसे पहला चीज़ पिंग, मैं सर्वर को पिंग कर लेता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट परमिटेड होते हैं, तो 10 पिंग करते हैं। पहला अर्प होता है, पहला पैकेट ड्रॉप होता है, क्योंकि अर्प हो रहा है उसका मैक एड्रेस जानने की कोशिश करेगा, पैकेट आपका ये हो गया। तो फर्स्ट पैकेट आपका ड्रॉप होता है। फिर अगर आप देखोगे 11 को, तो हर कोई, क्योंकि मैंने रूट डिफाइन कर दिया राउटर पे, स्टैटिक रूट, कि अगर आपको इस नेटवर्क में जाना, देखो ये 11 भी क्या हो रहा है, और ऐसे ही ये 12। तो ये सर्वर को क्या कर रहे हैं, ये इस सर्वर को एक्सेस कर रहा है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जब रूट डिफाइन हो जाता, कोई भी किसी नेटवर्क में जा सकता है, बस सिर्फ रूट डिफाइन होने चाहिए। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो आपका 12 भी आ गया आंसर। तो ऐसे कोई सा भी, अगर आप यहाँ पर जाओ, आप अगर आप यहाँ से डिफाइन करोगे, तो पिंग 172 के नेटवर्क पे भी जाएगा ये, ठीक है, ये चला गया, और 50 के नेटवर्क पे भी जाएगा, क्योंकि 50 का भी रूट हमने बता रखा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 50.1.1.2, तो फर्स्ट पैकेट ड्रॉप होगा, यानी अर्प, अर्प यानी मैक एड्रेस, यानी परमानेंट एड्रेस, और ये पैकेट देखो आ गया आंसर। किसको पिंग किया, 50 को, मींस ये वाले नेटवर्क यानी 192 वाले 50 पे भी जा रहे हैं और 172 पे। नाउ अब ये तो था नॉर्मल नेटवर्क जो अभी तक हमने किया, यानी अभी पढ़ा। अब हम परमिशन डिफाइन करेंगे। मैं चाहता हूँ ये 1.4 जो है ये वाला, वो इन सर्वर को एक्सेस ना करे, मींस इस नेटवर्क पे जा ही ना पाए, इस नेटवर्क पे वो जा ही ना पाए, कि इसके लिए पॉलिसी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो अब आता है कि पॉलिसी डिफाइन करना पड़ेगा तो मुझे कहाँ पे करना पड़ेगा। पॉलिसी आपकी राउटर पे बनती है। अब आता है किस राउटर पे, यहाँ पे तो दो राउटर हैं, तो किस राउटर पे पॉलिसी बनाऊंगा। देखो हम अभी स्टैंडर्ड पॉलिसी पढ़ रहे हैं, यानी फर्स्ट जो बेसिक पॉलिसी है वो स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं। अगर हम इस बंदे के लिए पॉलिसी बना रहे हैं कि ये इस नेटवर्क में नहीं जा सके, तो अब आता है कि मैं किस राउटर पे पॉलिसी बनाऊंगा, इस पे या इस पे। तो कीप इन माइंड, आपने ये ध्यान रखना है कि अगर मैं इसके लिए पॉलिसी बनाता हूँ और इस राउटर पे बनाता हूँ, तो आपने ये देखना है सबसे पहले जिस राउटर पे पॉलिसी बनती है, अप्लाई भी उसी पे होती है। ऐसा नहीं कि आप पॉलिसी यहाँ बनाओगे और अप्लाई यहाँ करोगे, नो, जिस राउटर पे पॉलिसी बनेगी उसी पे अप्लाई होगी। तो अगर आपने राउटर की पॉलिसी यहाँ पर बना दी, होगा क्या, ये यूजर जैसे ही यहाँ पर जाएगा, आपने पॉलिसी यहाँ बना दी, तो जब पॉलिसी बनाएगा तो अप्लाई भी यहीं पर करेगा, और जब पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी तो ये यूजर यहीं से आगे ना जा पाएगा। मींस मैं तो इस नेटवर्क के लिए इसको बैन कर रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि वो 50 के नेटवर्क में जाए, यहाँ भेजना चाहता हूँ मैं उसे, बट यहाँ नहीं भेजना चाहता। बट अगर आप पॉलिसी यहाँ लगा दोगे तो वो किसी भी नेटवर्क में आगे नहीं जा पाएगा। तो चाहे मैं यहाँ पर लगाऊँ चाहे यहाँ पर लगाऊँ, दोनों में आगे लगाऊँ यहाँ पर, ये
जाते समय के लिए ये इन होता है, यानी इन का ट्रैफिक और आउट का ट्रैफिक। तो जब यहाँ पे ट्रैफिक जा रहा है तो इन, और यहाँ से ट्रैफिक निकल रहा है तो इसको बोलते हैं आउट। यहाँ से ट्रैफिक जा रहा है तो इन मीन्स पॉलिसी दोनों तरफ के लिए बनती है, इन एंड आउट के लिए। तो ये आउट है, ठीक है, जब ट्रैफिक यहाँ से जा रहा है। और अगर यहाँ से ट्रैफिक आ रहा है तो वही पोर्ट अब इन हो जाएगा, जाते समय इन, जाते समय आउट, आते समय इन। तो ट्रैफिक दोनों तरफ से जाता है, आना है और जाना है। तो वो आपसे पूछता है कि इन के लिए लगा रहे हो या आउट के लिए लगा रहे हो। तो अगर ये यूजर मैं इस नेटवर्क में भेजना चाह रहा हूँ तो नेचुरल बात है कि यहाँ से जा रहा है ट्रैफिक, तो ये पोर्ट इन हो जाएगा, ये आउट, ये इन, ये आउट, ये आउट। तो अगर मैंने इस यूजर के लिए यहाँ पे पॉलिसी बना दी तो ये यूजर आगे नहीं जा पाएगा, और नहीं जा पाएगा तो मुझे तो इस नेटवर्क में उसको भेजना है, तो इसमें नहीं जा पाए, तो इसमें मैं पॉलिसी नहीं बना सकता। किसमें? सोर्स राउटर पे। इसका सोर्स है ये, तो ये मेरा सोर्स राउटर है, तो इस पे मुझे कभी पॉलिसी नहीं बनानी। कौन सी? स्टैंडर्ड वाली। स्टैंडर्ड कभी पॉलिसी मैं यहां पे नहीं बनाऊ। फिर अब अगर मैं इस राउटर पे पॉलिसी बनाता हूं तो बन गई पॉलिसी, पर अब आता है कि मैं कहां पे अप्लाई करूं। पॉलिसी कहीं पर भी अप्लाई होती है। पॉलिसी को आप फास्ट यानी लैन पोर्ट पे भी, यानी फास्ट ये पोर्ट है, इन पे भी लगा सकते हो और सीरियल पे भी लगा सकते हो, किसी पे भी आप, फास्ट इथरनेट पे भी और सीरियल पे भी। अब आता है कि ठीक है, मैंने यहाँ पे पॉलिसी बना दी, अब अगर मैं उस पॉलिसी को यहाँ पर अप्लाई करने जा रहा हूँ, कहाँ? इधर, तो फिर क्या होगा? ऐसा ही हो जाएगा, क्योंकि ये यूजर फिर यहाँ से आगे इसका ट्रैफिक नहीं जाएगा, यहाँ भी नहीं जा पाएगा, इधर भी नहीं जा पाएगा। तो मैं यहाँ पर भी नहीं लगा सकता, मतलब सीरियल पोर्ट यहाँ पे नहीं लगा सकता। तो अब मेरी जो पॉलिसी लगेगी वो यहाँ पर लगेगी, F01 के आउट वाले पोर्ट। इससे होगा क्या? ये ट्रैफिक यहाँ आएगा तो इधर तो चला जाएगा, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, उस पैकेट को यहाँ पर रोक देगा, यानी डिनाई कर देगा, और वो इधर नहीं जा पाएगा। तो स्टैंडर्ड पॉलिसी ऑलवेज अप्लाई ऑन डेस्टिनेशन राउटर। स्टैंडर्ड पॉलिसी हमेशा डेस्टिनेशन राउटर पे बनती है और उसी पे अप्लाई होती है। तो जिस पे बनाते हो पॉलिसी उसी पे अप्लाई करते हो, तो स्टैंडर्ड हमेशा डेस्टिनेशन पे। तो चलो अब चलते हैं डेस्टिनेशन पे, हम पॉलिसी बनाते हैं। तो कैसे बनती है पॉलिसी? कीप इन माइंड, यहाँ पर आप इधर जाओगे, एक्सेस लिस्ट। एक्सेस लिस्ट में मैंने आपको बोला कि नंबर देते हैं, तो देखो स्टैंडर्ड के लिए 199 और एक्सटेंडर्ड के लिए 100 से 199। तो हम स्टैंडर्ड बना रहे हैं तो हम ये नंबर देंगे, मींस अपनी मर्जी से नहीं दे सकते। चलो मैंने 1 दे दिया, उसके बाद क्या है? डिनाय। मैं किसको डिनाय कर रहा हूँ? हमेशा स्टैंडर्ड पॉलिसी, स्टैंडर्ड पॉलिसी हमेशा सोर्स पे लगती है, ये सोर्स के होस्ट हैं और सोर्स के नेटवर्क के लिए। कभी भी स्टैंडर्ड पॉलिसी डेस्टिनेशन के लिए नहीं बनती, बनानी डेस्टिनेशन राउटर पे है, पर किसके लिए बनानी है? सोर्स के होस्ट के लिए और सोर्स के नेटवर्क के लिए। अगर आप पूरा नेटवर्क यहाँ नहीं जाना देना चाह रहे हो इस नेटवर्क में, तो पूरे नेटवर्क यानी ये डिफाइन कर देना। और पर्टिकुलर अगर जैसे इस मशीन को मैं, तो क्या है ये? सोर्स, ये मेरा सोर्स है और ये मेरा डेस्टिनेशन। तो हमेशा स्टैंडर्ड पॉलिसी किसके लिए बनती है? सोर्स के लिए। तो नाउ अब मैं आपको बताता हूँ इधर कि ये पॉलिसी हम एक्सेस लिस्ट हम डिनाई कर रहे हैं, किसके लिए डिनाई कर रहे हैं, किसको मना कर रहे हैं हम? इस आईपी को देखो, ये सोर्स का है, इसका आईपी चेक कर लो। इसके लिए पॉलिसी बना रहे हैं 192.168.1.4। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बता देंगे डिनाई 192.168.1.4।
ये डिनाय है। ये किसका एड्रेस है? सोर्स का, सोर्स यानी होस्ट। इसमें कभी भी डेस्टिनेशन आईपी नहीं आता, मतलब डेस्टिनेशन के बारे में देखो, सीआर का मतलब ये वाइल्ड कार्ड मैंने आपको ओएसपीएफ में बताया था, इसका मतलब क्या होता है कि 0.0.0 ये वाला, इसका मतलब ये होता है कि यही नंबर पहला नंबर पहले को चेक करेगा, दूसरा दूसरे को चेक करेगा, जीरो का मतलब वही नंबर अलाउडेड। तो आप यहाँ पर 4 बार 0 दे सकते हो। अगर आप यही आईपी बैन करना चाह रहे हो तो आप 4 बार 0 लिख सकते हो वर्ड, जीरो का मतलब वही नंबर अलाउडेड और कोई नहीं। तो डिनाय है यहां पर, तो यही नंबर डिनाय होगा। जीरो मतलब इसको चेक करेगा पहला वाला, दूसरा दूसरे को, तीसरा जीरो तीसरे को, चौथा जीरो चौथे को। अगर कोई डाउट है तो ओएसपीएफ में वाइल्ड कार्ड मास्क मैंने अच्छी तरीके से आपको बताया, आप प्लीज उसको देख लेना, ठीक है। तो यहां पर आप वाइल्ड कार्ड अगर नहीं देना चाहते हो तो आप ऐसे एंटर मार लो, ओके। तो ये डिनाय हो गया है, ठीक है। और उसके बाद अब क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट तो जो हमारी एक्सेस लिस्ट होती है वो परमिटेड होती है, पर अब मैंने इसको डिनाई कर दिया तो अब एक्सेस लिस्ट क्या होती है, एक तरीके से कंफ्यूज हो गई। कंफ्यूज मींस कि वो एक्सेस लिस्ट को अब लग गया कि आपने 1.4 को तो डिनाई कर दिया, पर जो और है, मतलब 1.4 को छोड़ करके वो और है, वो आपको मुझे बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं अपने हिसाब से उसको परमिट है तो परमिट रहने दूंगा, नहीं। 1.4 अगर आपने डिनाई कर दिया तो आपको औरों के बारे में भी बताना पड़ेगा। तो ठीक है, मैंने बोला कि ठीक है, एक्सेस लिस्ट 1 वही नंबर रखना है और आप यहां पे लिखोगे परमिट, और इतने आईपी कौन लिखेगा, 1.4 को छोड़कर के सारे परमिटेड है, तो 1.4 डिनाई हर, बाकी सब क्या है परमिटेड, तो हम सब आईपी नहीं लिख सकते, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, एनी, मतलब 1.4 को छोड़ करके सब क्या है, परमिटेड है। अब एक्सेस लिस्ट क्लियर हो गई कि ठीक है ये डिनाई है और इसको छोड़ करके बाकी सब जो है वो परमिटेड है। तो आपको ये डिफाइन करना पड़ता है, कहीं ऐसे सोच के मत चलना कि बाय डिफॉल्ट परमिटेड थे या हमने डिनाई कर दिया तो एक्सेस लिस्ट समझ गई होगी कि ये डिनाई बाकी और परमिटेड होंगे, नो, कंफ्यूज हो जाती है एक्सेस लिस्ट, आपको वहां पे एक्सेस लिस्ट को बताना पड़ता है, ओके। अब ये पॉलिसी बनी हुई है, ये अप्लाई नहीं हुई है, मतलब अभी ये काम नहीं करेगी, अभी ये बंदा पिंग कर लेगा, देखो अभी आप देखोगे, क्योंकि इसके लिए तो पॉलिसी बनाई है, पर ये अभी ये पिंग करेगा सबको, देखोगे अगर आप यहां पर देखोगे तो ये पिंग करेगा, क्यों, अभी मैंने पॉलिसी सिर्फ क्रिएट की है, अप्लाई नहीं की है। तो अब अप्लाई के लिए मुझे क्या करना है, मैंने आपको बताया कि मुझे कहाँ लगानी है पॉलिसी, इस पे, अभी आपको नहीं तो अगर आप पीछे देखना, तो अब मैं क्या करूँगा, इस इंटरफेस पे जाऊँगा, इंटरफेस F0/1 पे, और यहाँ पे लिखना मैंने आईपी एक्सेस ग्रुप, किसका ग्रुप, दो पॉलिसी बनी हुई है मेरी, एक डिनाई की और एक परमिट की, तो मीन्स दो पॉलिसी मीन्स ग्रुप बन गया, और ग्रुप नंबर आपने यही डालना है जो यहां पर है। अगर आप कोई और ग्रुप नंबर डालोगे तो आप कभी भी आपकी पॉलिसी काम नहीं करेगी, तो आपने यही नंबर डालना जो यहां पे मेंशन है 1, और फिर आपसे पूछता है कि आप इन के लिए लगाने जा रहे हो या आउट के लिए, यहां पर जो मैंने आपको बताया, तो इधर हमारा यहां से पैकेट जा रहा है तो इधर बाहर निकल रहा है यानी आउट, तो मैं इसको बताऊंगा कि आप आउट का करना, तो इधर आउट पॉलिसी लग गई। नाउ अब चेक करते हैं कि ये बंदा इस नेटवर्क में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ओके। तो नाउ चेक करते हैं, यहाँ पे पिंग करते हैं, नाउ डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, नहीं पहुंच पा, मना कर दिया, यहाँ पर देखोगे 10 मना कर दिया, ठीक है, और 12 को भी देखोगे तो मना कर दिया, यानी 11 को भी मना कर दिया, ये आपके सामने रहा, 10 को भी मना कर दिया और 12 को भी, तो इसके लिए हमने क्या कर दिया मना। अब ये देखेगा इधर वो ये वाला, ये पिंक करता है, ये करेंगे क्योंकि इनके लिए तो पॉलिसी परमिटेड है, तो 192.16.1.0 16.1.10
देखो ये परमिटेड है, तो इनके लिए, इनको तो मैंने बोला कि ये तीनों के तीनों परमिटेड है, लेकिन ये डिनाय था, तो ये इस नेटवर्क में नहीं जा रहा। अब चेक करना मुझे कि ये इस नेटवर्क में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो इसका आईपी चेक कर लो क्या है इसका 50.1.2। ओके, अब ये इस नेटवर्क में जा रहा है कि नहीं जा रहा 50 में, वह जाएगा, उसके लिए थोड़ी बनाई थी हमने पॉलिसी। तो पिंग 50.1.1.2, ये देखो दैट इज स्टैंडर्ड, ये है बेसिक पॉलिसी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड जो हमारी जो एक्सेस लिस्ट है वो ये होती है, तो कीप इन माइंड, तो ACL हमारी जो होती है वही दो टाइप की, स्टैंडर्ड ACL और एक्सटेंडेड ACL। पॉलिसी नंबर देते हैं हम 1 से 99, एक्सटेंडेड को आप 199, बेसिक पॉलिसी है स्टैंडर्ड वो एडवांस है और बेसिक। अप्लाई ऑन सोर्स होस्ट आपको मैंने बताया है कि, और ये एक्सटेंडेड के बारे में बाद में देखेंगे, तो ये आप प्रॉपर, मैंने आपके लिए ये चीज़ें बनाई है, आप सही तरीके से देखना इसको। तो पॉलिसी आप किसी भी नेटवर्क में करते, देखो ये नेटवर्क है मेरा, ये जैसे मैंने आपको बताया वही नेटवर्क बनाया मैंने। अब ये बंदा पिंग कर रहा है, तो फर्स्ट टाइम जब पिंग करेगा तो सारे नेटवर्क को एक्सेस करेगा। तो मैंने देखो ये डेस्टिनेशन जा रहा है, यहाँ पे आपका पिंग हो रहा है, ये इस नेटवर्क में मैंने ट्रैफिक भेजा ये, तो अभी ये फर्स्ट टाइम पे ट्रैफिक आ रहा है और जा रहा है, सोर्स से डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन से सोर्स। तो इधर देखोगे ये फिर पिंग कर रहा है, ये 50 को जा रहा है, तो मतलब ये 50 पहले 172 को भेजा फिर 50 को, तो 50 से भी देखो ये 50 के नेटवर्क में भी इजीली जा रहा है, मतलब बाय डिफॉल्ट ये परमिटेड है, फिर वहां से भी ट्रैफिक आएगा। यस, अब हम पॉलिसी बनाएंगे, ये देखो इसके लिए डिनाई, ये हमारी क्या है जो मैंने अभी आपको बताया, ये हमारी है स्टैंडर्ड, तो ये हमारी स्टैंडर्ड की कमांड है, कीप इन माइंड आपने ये देखना है और मैंने आपको बताया है ये, तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।